जो ओरिजिनल रामायण है वो संस्कृत में है वाल्मीकि की, उसमें राम भगवान नहीं है, वो एक एक राजकुमार थे, बाद में राजा हो गए। ही इज नॉट अ गॉड, ही जस्ट अ ह्यूमन बींग, ही वॉज अ प्रिंस, बाद में राजा बने अयोध्या के ही, बट ही इज नॉट अ गॉड इन द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल रामायण। वो 2000 साल बाद जो रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास की, उसमें वो भगवान हो गए, मगर ओरिजिनल में ही इज नॉट अ गॉड, ही इज अ प्रिंस। तुम जब गॉड है ही नहीं तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो भाई? तो ओरिजिनल तो वो है ना, आप पढ़ लीजिए संस्कृत की रामायण। और पढ़े लिखे तो है नहीं, लोग जानते ही नहीं संस्कृत, अब उनको क्या समझ। वो तो पूरा खेल है कि किस तरह से वोट पाना, किस तरह नफरत फैलाना है, ये पूरा राजनीति है। राम मंदिर का इशू कोई इशू ही नहीं मानते। और मेरे सामने अगर आता तो मैं एक सेकंड में डिसमिस कर देता केस, कि कोई है ही नहीं केस, बिला वजह एक बात का बतंगड़ बनाना। तो सर फिर क्यों नई बेंच बदली जा रही है, जिस तरह आपने देखा कि यू ललित ने भी खुद को इस केस से अलग कर लिया और फिर एक नई बेंच का गठन हुआ? भैया ये मैं तो हूँ नहीं जज, मैं क्या सवाल का जवाब दूँ। मेरे सामने, मैंने आपको बता दिया, मेरे सामने केस आता तो एक सेकंड में डिसमिस कर देता कि कोई है ही नहीं केस, ये है ही नहीं कोई इशू, ये तो पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। मगर मैं तो नहीं, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ ना सुप्रीम कोर्ट जज, मैं इस सवाल का आपका क्या जवाब दूँ। एक सवाल और यहाँ बड़ा खड़ा होता है, आपने इस वक्त बात की पॉलिटिक्स की और वोट की, तो सवाल यहाँ ये है कि वोट और पॉलिटिक्स मामला आस्था से जुड़ा है दोनों पक्षों की, मुसलमानों की भी और हिंदुओं की भी। तो हिंदू कहते हैं कि ये मामला हमारी आस्था से जुड़ा है और सारा मीडिया इस वक्त एक ही पक्ष दिखा रहा है, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि राम मंदिर का ही मामला है, बाबरी मस्जिद कहने को तैयार नहीं है मीडिया। अरे भाई ये मीडिया को मालूम है, राम संस्कृत में पढ़ा है, जो ओरिजिनल रामायण है पढ़ा भी है मीडिया ने, माफ करिएगा आपके ज्यादातर मीडिया वाले भी गधे हैं, किसी ने पढ़ा है जो ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि की, उसमें राम है ही नहीं, भगवान इंसान है, तो इंसान की क्या आप मंदिर बना रहे हैं भाई बिला वजह? नहीं जब आप पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं आपके, माफ करिए, ज्यादातर एक दो को छोड़ के मीडिया वाले पढ़े लिखे तो है नहीं, तो अब उनसे हम क्या जवाब दें उनकी बातों का? कोई मुद्दा ही नहीं है राम मंदिर, कोई आस्था आस्था से पागलों जैसे बात कर रहे हो, दुनिया हंस रही है तुम पर, तुम गाय को देवता मानते हो। अभी मैं 6 महीने अमेरिका रह के आया हूँ, जून से दिसंबर तक अमेरिका में थे मैं था, वहाँ के लोग हंसते हैं कि गधे भरे हुए हिंदुस्तान में, गाय को माता मानते हैं। अरे कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? कोई अकल है कि नहीं तुम्हें कि गोबर भरा है सर में?